दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्वेंट शिक्षा पर। और आज हम नई एपिसोड लेकर IPL का शुरू हुए हैं, क्योंकि IPL 2023 का ऑक्शन हो चुका है। तो आइए देखते हैं किसकी टीम में कौन सा खिलाड़ी लिया गया है। तो बात करते सबसे पहले फेवरेट गुजरात टाइटंस। तो इसमें खिलाड़ी आपके हैं वी शाही, डेविड मिलर, केन विलियमसन, शुभमन गिल, के एस भरत, वेड ओब्रेन, पटेल, शाह, अभिनव, मनोहर, हार्दिक पांड्या, जयंत यादव, डेविड स्मिथ, राहुल तेवतिया, राशिद खान, विजय शंकर, जोसेफ, दर्शन नेलकंडे, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा, नूर अहमद, शाही किशोर, शिवम मामी, यश। ये सारे आपके गुजरात टाइटंस के प्लेयर हैं। और अगर बात की जाए तो इनके प्राइस की, तो तब की बार गुजरात टाइटंस ने बहुत अच्छे ही प्राइस में अपने प्लेयर को ख़रीदा था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हुए ये टीम विनर बनी थी। और बात करते हैं अगर हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या इस टाइम बहुत ही अच्छे फॉर्म में चलते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिससे वो अपनी टीम में फिर एक बार IPL की ट्रॉफी अपनी टीम की झोली में डाल देंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये आ गई, केन विलियमसन को इन्होंने ख़रीद लिया है। तो केन विलियमसन को ख़रीदने के बाद इनकी टीम और मजबूत हो गई और इनके साथ एक्सपीरियंस कप्तान जो होना चाहिए था उसकी कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये पूरी टीम आपके सामने बनी हुई है। बात करते हैं इस टीम के कैप्टन की। तो इस टीम का जो कैप्टन बनाया गया है वो है आपके हार्दिक पांड्या जी। ठीक है, तो वो हार्दिक पांड्या हैं जो इस टाइम T20 के कैप्टन भी हैं। और इस टीम के कोच की बात की जाए तो वो हैं आशीष नेहरा जी, जो भारतीय टीम में हैं। अगली टीम की ओर बढ़ते हैं। अगली टीम है हमारी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB। इसमें जो खिलाड़ी हैं इसके उसमें हैं फैब डुप्लेसिस, विराट कोहली, सुयश प्रभुदेसाई, रजत पाटीदार, दिनेश, अनिल रावत, फिन एलन, मैक्सवेल, हशरंगा, शहबाज अहमद, हर्षल पटेल, डेविड मिलर, कर्ण शर्मा, महियाल लोमरोज, सिराज, हेजलवुड, कौल, अक्षदीप, सोनू यादव, अवनीश सिंह, राजन कुमार, मनोज, विल कैफ, हिमांशु शर्मा, रेसे टॉपली। ये सारे प्लेयर इसमें आपके दिए गए हैं। और एक फैक्टर है जो चेन्नई सुपर किंग में अगले साल थे आपके कर्ण शर्मा, उनको भी यहाँ पे ख़रीद लिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो जो रजत पाटीदार थे वो पिछले IPL में अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए उनको फिर रिटेन किया गया है। और विराट कोहली हैं, इन्होंने अभी वनडे में सेंचुरी जमाकर अपने आप को फिर हाजिर कर दिया। अब सारा दारोमदार गेंदबाजों के ऊपर रहेगा। ठीक है, अगर बात करते हैं तो इस टीम के कैप्टन की, तो इस टीम के कैप्टन हमारे फैफ डुप्लेसी हैं। ठीक है दोस्तों, और इस टीम के जो कोच हैं, हेड कोच हैं, वो हैं संजय बांगर। ठीक है दोस्तों, कौन है? संजय बांगर हैं। चलिए अगली टीम की ओर बढ़ते हैं। अगली टीम सबकी फेवरेट चेन्नई सुपर किंग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चेन्नई सुपर किंग कमेंट करिए और MS धोनी के नाम पर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इस बार MS धोनी ने ख़रीदा है, MS धोनी है इसमें, अंबाती रायडू हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, सुयशु सेनापति हैं, मोइन अली हैं, शिवम दुबे हैं, राजवर्धन हसरंगा हैं, डेवाइन पैट्रियट हैं, मिचेल सेंटनर हैं, रविंद्र जडेजा जी हैं, सर रविंद्र जडेजा, तुषार देशपांडे हैं, मुकेश चौधरी हैं, मदीशा पाटिशन हैं, सिमरजीत सिंह हैं, दीपक चहर हैं, प्रशांत सोलंकी हैं, महेश दिनकेश हैं, भगत वर्मा हैं, अजय मंडल हैं, केरियन जेमिनसन हैं, निशांत सिंधु हैं, शेखर रशीद हैं, बेन स्टोक्स हैं, अंजिक्य रहाणे। इसमें एक फैक्टर ये आया आपका, अंजिक्य रहाणे को टीम में शामिल कर लिया गया है और बेन स्टोक्स जो इस टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। और MS धोनी तो XYZ सारे फैक्टर बदल देते, सारी नीति बदल देते, सारी रणनीति बदल देते। तो बात करते हैं इस टीम के कैप्टन की, तो इस टीम के कैप्टन हमारे कूल, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट MS धोनी हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करिए धोनी सर के लिए और सब्सक्राइब करिए। और इस टीम के कोच के बारे में बात करें तो इस टीम के जो कोच हैं वो है स्टीफन फ्लेमिंग। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले टीम की तरफ। अगली टीम हमारी है साड्डा पंजाब। ठीक है दोस्तों, तो साड्डे पंजाब में कौन कौन से आए हैं? शिखर धवन, शाहरुख खान, जॉनी ब्रेस्टो, ये एक्स फैक्टर होंगे, प्रभुशरण सिंह और भानु शेखर, जिलेश शर्मा, जितेश शर्मा, ऋषि धवन,
लेम लिविंगसन, अर्षदीप, बलतेज सिंह, नेथल दूलन, रबाडा, खगिशो रबाडा, राहुल चहर, हरप्रीत, शिवम सिंह, मोहित साठी, हरप्रीत भाटिया, सिकंदर रजा और सैम करन। सैम करन को अब की बार सबसे आईपीएल की हाईएस्ट बोली लगाकर पंजाब किंग्स ने खरीदा। 18.5 करोड़ की बोली लगाकर पंजाब किंग ने इन्हें अपने पाले में कर लिया। तो ये अब की बार देखना इंटरेस्ट रहेगा कि सैम करन के ऊपर जितना पैसा बरसाया गया है, क्या वो उस पैसे को वसूल करके पंजाब किंग्स को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में समर्थ हो सकते हैं। और अगर बात करें हम इस टीम के कैप्टन की, तो इस टीम के जो कैप्टन हैं वो हमारे हैं शार्दुल पंजाब द शेर शिखर धवन, और इस टीम के जो कोच हैं, हेड कोच, तो वो हैं ट्रेवल बेलिस। ठीक है दोस्तों, कौन है वो? ट्रेवल बेलिस, जो इंग्लैंड के मुख्य कोच भी हैं। बात करते हैं अगली टीम, जो हमारी गुजरात टाइटंस है, ठीक है, जिसे जीटी भी गए थे। तो इसमें केएल राहुल, आयुष विश्नोई, केन विलियमसन, करण शर्मा, मनन वोहरा, क्विंटन डिकॉक, मार्कस ट्वेनिस, करियप्पा गौतम, दीपक हुड्डा, केन मैरिश, कुणाल पांड्या, आवेश खान, मोहसिन खान, मार्क वुड, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, युजवेंद्र चहल, नवीन उलहक, स्वप्निल सिंह, प्रतीक मैनकंड, अमित मिश्रा, डेनियल शेम, रोमियो शेफर्ड, यश ठाकुर, जयदेव उनादकर और निकोलस पूरन है। तो इसमें जो अब की बार नया प्लेयर शामिल किया गया है, ठीक है, तो इसमें लगभग ही कुछ बदलाव किए गए थे, वरना एक दो को ही इसमें खरीदा गया था, जैसे विश्नोई हो गए या आपके यश ठाकुर हो गए, ठीक है, जयदेव उनादकर, ये आपके एक्स फैक्टर बॉलर के ऊपर सब डिपेंड करता है। अगर बात करते हैं इस टीम के कैप्टन के बारे में, तो वो हैं केएल राहुल। ठीक है दोस्तों, लाइक ठोकिए अगर केएल राहुल के फ़ैन हैं तो, और सब्सक्राइब करिए। और बात करते हैं यहाँ कोच की, तो इसके कोच जो हैं वो हैं आपके एंडी फ्लावर। ठीक है, चलिए अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं। अगली टीम आपकी है मुंबई इंडियंस। ठीक है, मुंबई इंडियंस के जितने भी फैन हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। तो बात करते हैं इसमें रोहित शर्मा, टीम डेविड, रमनदीप सिंह, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, फायर ब्रिगेड, ईशांत शर्मा, त्रिशन स्टब्स, डेविड वेरिस, जोफ्रा आर्चर, जसप्रीत बुमराह, अर्जुन तेंदुलकर, अरशद खान, कुमार कार्तिकेय, ऋतिक शौकीन, जोशन बैंड्रॉफ, आकाश मेडवाल, राघव गोयल, नेहल वेड्रन, शेम्स मुलानी, वाशु विनोद और दून जैसन, पीयूष चावला, जियान रिचर्डसन और कैमरॉन ग्री। ठीक है, तो जो इसमें एक ये आपके एक्स फैक्टर हो सकते हैं कि कैमरॉन ग्री और आपके जोफ्रा आर्चर, जोफ्रा आर्चर को इस बार खरीद लिया गया बहुत अच्छे ही प्राइस में। तो इस टीम की बात करते कैप्टन की, तो कैप्टन हमारे रोहित शर्मा पेस है आपके सामने, जल्दी सब्सक्राइब करिए। और इस टीम के जो कोच हैं वो आपके हैं महिला जयवर्धने। अगली टीम है हमारी सनराइजर्स हैदराबाद। तो इस टीम के जो मालिक हैं, तो इसमें जो अब की बार दिए गए हैं प्लेयर, उसमें हैं आपके केन विलियमसन और उमरान मलिक, अब्दुल समद, वॉशिंगटन, निकोलस पूरन, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, पियांग गर्ग, राहुल त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा, विष्णु विनेत, कार्तिक त्यागी, श्रेयस गोपाल, जगदीश सुचित, एडम मार्करम, मार्कन जेनिस, रोमियो सेफोर्ड, ग्लेरन फ्लिप्स, फैजल फारूकी, शेने अबार्ट, आर समर्थ, अभिषेक सिंह और सौरभ दुबे इस टीम में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखने लायक ही होगा, क्योंकि 2015 के बाद से इस टीम ने कोई भी आईपीएल में, किसी भी आईपीएल में कोई अच्छा खास प्रदर्शन नहीं किया है। देखते हैं अब की बार क्या प्रदर्शन करते हुए टीम को किस प्रकार अपनी आईपीएल में जीत दिला सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं केन विलियमसन, तो इनको शायद रिलीज़ कर दिया जाएगा, और उमरान मलिक जो सबसे हाईएस्ट स्पीड हैं उनके पास है। ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड करता है बॉलर के ऊपर। तो इस टाइम यहाँ पर कोई कैप्टन की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है, तो इसके जो कोच बनाए गए हैं वो है ब्रेन लारा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली टीम की तरफ, वो है राजस्थान रॉयल। ठीक है, तो राजस्थान रॉयल की जो टीम है उसमें देखते हैं कौन कौन है, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, सिमरन हेटमायर, देवदत्त पार्टिकल, जॉश बटलर, ध्रुव जुरेल, रियान प्राग, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट, ओवेट मैकॉय, नवदीप सैनी, कुलदीप सेन, कुलदीप यादव, आर अश्विन, चहल, केसी करियप्पा, जो रूट, अब्दुल
पीए और मुरुगन अश्विन, के आसिफ, एडम जैम्पा और ड्रोवेन कैमरोन और जेसन होल्डर, ये प्लेयर अब की बार जो राजस्थान रॉयल की टीम है वो थोड़ा तगड़ी लग रही है, जिससे लग रहा है कि ये आईपीएल में अपना कुछ खास प्रदर्शन करने में कामयाब रहेगी। ठीक है, इसके जो सारा दारोमदार कुलदीप यादव और रविचंद्र अश्विन जैसे दिग्गजों पर रहेगा। बात करते हैं अगर इसके कैप्टन की, तो इसके कैप्टन जो बनाए गए हैं वो हैं संजू सैमसन। ठीक है दोस्तों, संजू सैमसन को इस टीम का कैप्टन बनाया गया है। और बात करते हैं अगर इसके कोच की, तो इसके कोच आपके बनाए गए हैं कुमार संगकारा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगली टीम की जो आई है आईपीएल ऑक्शन में, तो उस टीम का नाम है केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, शाहरुख खान की टीम जो है। तो उसका क्या है, जो टीम खरीदा है उसमें बात करते हैं, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रहमतुल्ला गुरबज, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्ग्यूसन, उमेश यादव, एन जगदीशन, टीम साउदी, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अनुकुल रॉय, रिंकू सिंह, साकिबुल हसन, मनदीप सिंह, लिटिन दास, कुलवंत खिजरौलिया, डेविड बैरिश, सुयश शर्मा और वैभव अरोरा। अब की बार जो सारा दारोमदार रहेगा इनमें रिंकू सिंह ऑलराउंडर हैं, साकिबुल हसन भी ऑलराउंडर हैं, मनदीप सिंह भी ऑलराउंडर हैं और सुनील नारायण, इन सब पर ज़्यादा दारोमदार हो सकता है। ठीक है दोस्तों, टीम के एक्सपेक्टर लॉकी फर्ग्यूसन, शार्दुल ठाकुर जो चेन्नई सुपर किंग्स से होते हुए यहाँ पे आए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स में, तो इन सब पर जिम्मेदारी रहेगी। और वेंकटेश अय्यर, ठीक है, और नितेश राणा को फिर अपने आप को साबित करना होगा जिससे वो इंडिया टीम में पुनः खेल सके। श्रेयस अय्यर तो फॉर्म में चल ही रहे हैं। बात करते हैं इस टीम के कैप्टन के बारे में, तो इस टीम के जो कैप्टन है वो हैं श्रेयस अय्यर। ठीक है, और इस टीम के जो हेड कोच हैं वो हैं ब्रैंडन मैकल्लम। ठीक है दोस्तों, कौन है ब्रैंडन मैकल्लम, उनके लिए एक सब्सक्राइब जरूर ठोकिए। चलिए बात करते हैं अगली टीम की, तो अगली टीम हमारी है दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स जो टीम है इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो खिलाड़ी इसमें आए हैं वो हैं ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, पृथ्वी शाह और रिपल पटेल, रोमन पावेल, सरफराज खान, यश ढुल, मिचेल मार्श, ललित यादव, अक्षर पटेल और एनटीआर, चेतन शाकरिया, कमलेश नागरकोटी, खलील अहमद, लुंगी एंडकी, रहमान, अमन खान, कुलदीप यादव, प्रवीण दुबे, विक्की ओसवाल और टीली रेशो, मनीष पांडे, मुकेश कुमार, ईशान शर्मा, फिल शॉल्ट। ठीक है, ये जो प्लेयर आपके आए हैं तो ये बहुत ही कम प्राइस में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीद रखा। और बात करते हैं इसके कैप्टन, तो वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को इसका कैप्टन बनाया गया, लेकिन अभी ऋषभ पंत चोट की वजह से जूझ रहे हैं, तो ऋषभ पंत के क्या हाल हैं, कैसे हैं, इसका वीडियो हम अलग से बताएंगे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके। तो उसके लिए आप बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो कैप्टन अभी आपके ऋषभ पंत ही हैं, लेकिन ऋषभ पंत चोट से रिकवर हो रहे हैं धीरे धीरे। और अगर इसके बात करते हैं कोच की, तो इसके कोच हैं रिकी पोंटिंग। ठीक है, अपने समय के दिग्गज बैट्समैन रिकी पोंटिंग। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली आईपीएल की हर वीडियो आपको मिलती रहे। और हम अगली बार ये वीडियो लेके आएंगे कि किस खिलाड़ी को कितने रुपए में ख़रीदा गया है और किस खिलाड़ी को किसके द्वारा रिलीज़ किया गया था और किसके द्वारा राइट टू मैच लगाकर ख़रीद लिया गया था। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एमएस धोनी के फ़ैन हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत माता की।